हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि दारोगा कैसे बने। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि दारोगा बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आप सभी को पूरे डिटेल्स में हम बताने वाले हैं कि दारोगा बनने के लिए आप सभी को कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा एंड दारोगा बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी सही वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे सारे जो भी कन्फ्यूज है आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे जानेंगे कि दारोगा बनने के लिए हाइट, चेस्ट एंड दौर और उम्र कितना होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके दारोगा बने। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं, वो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन सभी को जो है फ्रेंड्स पता नहीं होता है कि दारोगा बनने के लिए हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड योग्यता क्या होनी चाहिए, हम लोग कब योग्य हो जाएंगे दारोगा बनने के लिए, ये उन सभी को पता नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को काफ़ी सपना होगा कि आप लोग भी जो है दारोगा बने एंड आप सभी को पेरेंट्स के मम्मी पापा का भी सपना होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स सही जगह पे बिल्कुल आए हैं, आप लोगों को यहाँ पे सारे डाउट जो भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि आप सभी को जो है दारोगा बनने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए और आप सभी को एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को तो पता होगा कि हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि मेरा लड़का जो है आगे जाकर बहुत अच्छा करे। तो आप सभी भी अपना उज्जवल भविष्य के लिए और अपना जो है अपना सपना पूरा करने के लिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को पूरे डिटेल्स में बता दें कि दारोगा बनने के लिए आप सभी के पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि दारोगा कैसे बने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि दारोगा बनने के लिए आपको कौन से जो है सब्जेक्ट लेना होगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते हैं कि दारोगा बनने के लिए सर जो है हम कौन सा सब्जेक्ट लें एंड दारोगा बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है कि आप लोगों को जो है ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, ठीक है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से अपना पढ़ाई कर सकते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे जो है कैंडिडेट स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि क्या 10वीं पास करके हम जो है दारोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या 12वीं पास करके हम दारोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन पास करके हम दारोगा का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, आप सभी को हम यहाँ पर बता दें कि दारोगा बनने के लिए आप सभी को यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी होता है एंड आप सभी को यदि किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ये तीनों स्ट्रीम में से किसी भी आप लोग स्ट्रीम से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप दारोगा का योग्य हो जाते हैं, आप लोग दारोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस क्लास तक पढ़ना होगा ये आप सभी का सवाल होता है। तो दोस्त, आप सभी को बता दें कि आप लोगों को दारोगा का जो है योग्यता योग्य होने के लिए आप सभी के ग्रेजुएशन तक पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे कोई जो है फ्रेंड्स नहीं है कि आप सभी को यही सब्जेक्ट से पढ़नी है, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो आप दारोगा का योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना होना चाहिए या 12वीं में मार्क्स कितना होना चाहिए, 10th में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं रखा गया, आप लोग केवल पास है तो आप लोग दारोगा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखा गया। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है आप सभी के पास कि दारोगा बनने के लिए तैयारी कैसे करें। तो दोस्त, आप सभी को बता दें कि दारोगा बनने के लिए यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करें। हर स्टेट का अलग अलग जो होता है सिलेबस होता है, तो आप लोग जिस भी स्टेट से हैं, ओके, आप लोग वहाँ का अपना देख लीजिएगा कि कैसा वहाँ पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप सभी को मन में डाउट उठ रहा होगा कि इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट है तो आप सभी को 1.68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बट एक बात यहाँ पे आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें कि हर स्टेट का अलग जो है हाइट क्राइटेरिया रखा जाता है, हाइट लिया जाता है। यदि आप लोग मेल की चेस्ट की बात कर ले तो 79 से 84 होनी चाहिए। अब हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिनिमम बता दे रहे, ओके,
उसके बाद यदि फीमेल की हम हाइट की बात कर लें तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर उन सभी को हाइट यहाँ पे होनी चाहिए जो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे होते हैं। तो दोस्त हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल एंड नियम होता है दरोगा के लिए, ओके। उसके बाद उम्र की हम यदि बात कर लें तो आप सभी का एज यहाँ से फ्रेंड्स 21 से 28 ईयर्स के बीच यदि आप सभी का एज है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि हम रनिंग की बात कर ले फ्रेंड्स तो रनिंग के लिए आप सभी को मेल कैंडिडेट है तो आप सभी को 4.8 किलोमीटर रनिंग होता है 28 मिनट के लिए। यदि फीमेल की हम बात कर ले तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि हर स्टेट का जो होता है सिलेबस अलग होता है, हर स्टेट का जो है होता है अपना एग्जाम लेने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे हम बिहार की बात करें तो बिहार में प्री एंड मेंस होता है, और यूपी की बात कर ले यूपी एसआई का यूपी दरोगा का तो वहाँ पे केवल एक ही पेपर होता है। तो आप लोग जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप अपना देख सकते हैं जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को एक मिनिमम हम बातें बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को जो एलिजिबिलिटी हम बताएं वो होना चाहिए। अब यहाँ पे दरोगा बनने के लिए आप सभी को क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन पूरा करें, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें, उसके बाद आप सभी को रिटन टेस्ट पास करना होता है। रिटन टेस्ट जब आप लोग पास आउट कर जाएंगे तो आप सभी को फ्रेंड्स जो होता है 4 स्टेज में आप सभी को यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आप सभी को फिजिकल हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पे जो आप सभी को लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है आप सभी को चेक किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को वहां पे जो होता है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप सभी को वहां पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है एंड आप लोग जा करके ज्वाइन कर लेते हैं एंड आप सभी को वहां पे फिर जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस होता है फ्रेंड्स दरोगा बनने के लिए। अब हर स्टेट का अलग अलग होता है तो आप लोग अपना जिस भी स्टेट से वहां का आप अपना जो है देख सकते हैं कि वहां का बस क्या है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।